friends, how are you? I hope you all are doing fine. Welcome to channel. We are subah ke 6 baje and I'm at Jispa. Ye dekh view dikhata hu aapko. Amazing. Beautiful. Bahut thanda hai yaar. Bahut zyada thanda hai. Actually kal barish hoti rahi. I told you dream come true. बारिश तो हो गई बट प्रॉब्लम इज अब ये अभी 12 लाचा खुला होगा नहीं, वही कंफर्म करने जा रहा हूँ। बाकी सारे अभी मेट्स अपने लेटे हुए हैं तो लेट्स सी यार, देखो क्या बनता है, तो पता करते हैं फिर आगे निकलते हैं यार। अभी तो बात भी लेनी है, पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी, ये जो पीछे बैठा इसका नाम बेबी है। बेबी इज़ वेरी क्यूट, कमिंग टूवर्ड्स मी। बेबी कमिंग, लुक लुक। ये बहुत दिक्कत रहती है पैकिंग की। पैकिंग मतलब आगे तो नॉर्मल होती है, अभी इतने गैजेट्स हैं, इनको रात को चार्ज करना बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, ये बहुत समस्या है यार। तुम देख लो, जब लास्ट टाइम जब मैं आपको गुड मॉर्निंग विश की थी, तब से लेकर अब तक यही सेटल कर रहा हूँ कुछ कहीं रहना जाए। थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है, बट आई एम ट्राइंग टू कवर अप। बस अभी यार हमने नहाए तो नहीं है, सिर्फ मुँह हाथ धोएंगे, बट ठंड बहुत ज़्यादा, पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो बस अब पैकिंग करके, ये बहुत देखो यार कितना कितना, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है, उधर भी इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आपको दिखाऊं बेड पे गोरिल्ला पोड़ा आपको बिछा हुआ दिखेगा। एंड आई एम डूइंग ऑल दिस, बस ये पैकिंग करके यार हम निकलते हैं, फिर आपको ऑन दी वे मिलते हैं। आज आपको 12 लाचा दिखाता हूँ। कार यार को बस इस टाइम इसको इंजन ऑन कर दिया, इसको अच्छी लग रही है। लुक एट दिस स्टिकर, कमेंट करना कैसी लग रही है। ओके साइड से खाना खाना आ गया। वो ये सबसे लेट उठा बंदा ये वाला, तुम तो उठे नहीं यार, तुम तो उठे नहीं यार। ये लुक एट, ये इनके हैं यार। एंड और इतना इलेक्ट्रॉनिक सामान था ना मेरा पैक करने वाला जो मैंने किया, तुम लोगों को बातें आ रही है। हेलो, आप बताते नहीं हो ये मंगवाया यार हमने, बताते नहीं हो, ये उठते नहीं है। खाओ खाओ क्या, बस यार हो गया। नींद आ गई थी। तो यार लीविंग फ्रॉम जिस्पा, आप थोड़ा सा देख लीजिए टेंट्स हमारे हैं कैसे, गाड़ी इज फुल। कैंप से एक्चुअली यार थोड़े रिवर के बेस लाइन, रिवर के साथ ही होते हैं, ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर, तो इसलिए गाड़ी थोड़ी सी ये आपको दिख ही रहा होगा। एंड बहुत ही अमेजिंग पास आएगा आज रास्ते में। बस ये जो भी हुआ टायर फिसलने वाला वहां ना हो। पीछे तो कौन सी, देखो यार सामने आप नज़ारे देखिए, क्या क्या व्यू है। सारी यार जिस्पा वैली है और सामने के नज़ारे देखो आप। एंड टाइम हुआ है इस टाइम 7:20 विच इज़ लेट अकॉर्डिंग टू मी, 6 बजे निकल जाना चाहिए, बट वो ओवर नाइट ड्राइव के कारण ना सब थके हुए थे और सबसे ज़्यादा मैं ही थका हुआ था। रात को तो होश ही नहीं था यार। चलो अब तब तक म्यूजिक के साथ इंजॉय करो इस वैली को। ये अभी आपने यार साइड पे कुछ फ्लैग्स लगे देखे होंगे, तो ये एक मतलब बेसिकली ना हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति आता तो हिमाचल में ही है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा तिब्बती टच मिलेगा। लद्दाख में तो कम्प्लीटली है, मगर वहाँ बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। तो ये जो फ्लैग्स लगे होते हैं लोग कार्स में भी लगाते हैं और घरों में भी लगाते हैं, बाइक्स पे भी लगाते हैं, ये मतलब गुड विशेज़ होती हैं। मतलब कहते हैं ना गुड ओमन, गुड ओमन होता है ताकि सब कुछ सेफ एंड साउंड रहे। और एक और आपको बताऊंगा, अगर रास्ते में आपको कोई स्तूप दिखता है कोई बीच में रोड के सेंटर में या उसके साइड से कोई पगडंडी जा रही है, देन ऑलवेज ट्राई कि आप
की राइट साइड ही उसके मतलब आपकी राइट साइड स्तूप के साथ से निकले, तो ये लोग उसे लकी कंसीडर करते हैं। जैसे मंदिर में, गुरुद्वारा में या मस्जिद में हम लोग उसकी परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज उसके साइड से निकलना है, उसे लकी ही कंसीडर किया जाता है। अभी आप जाते हैं वहाँ के जो रीति रिवाज हैं ज़रूर फॉलो कीजिए, एंड लुक एट दिस प्लेस यार, ऐसी वैली मत देख लो, जिस हिसाब से यहाँ रश पड़ रहा है मुझे लगता नहीं, एंड एंजॉय करो आप लोग। तो यार जिस्पा से जस्ट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर है जिस्पा से डारचा, यहाँ पे आपको फिर अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी। मेक श्योर यार अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर कैरी कीजिएगा, आधार कार्ड, DL, इन दोनों में से कोई भी चीज़, और अगर कोई बोरा मेरी वीडियो देख रहा है तो यू मस्ट कैरी योर पासपोर्ट। बोरा कैसे समझेगा यार, सारी वीडियो तो हिंदी में है। ये देखो यार कुणाल पाजी हुए, ये बाकी जब भी आओ यार यहाँ पे खाना वेस्ट मत करो, ये यहाँ पे बहुत डॉग्स हैं ऐसे, इनको खिला दो, फेंको मत। ऐसे कुछ ब्रिज होते हैं यहाँ पे, अभी तक तो आप हरियाली देखते आ रहे थे, बस अब बैरन लैंड शुरू हो जानी है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, ये अप टू सारचू सारा हिमाचल प्रदेश है, मतलब लद्दाख नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू जैसे ही हम जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे आपको वो भी बताऊँगा। तो लोग बारालाचा को भी लद्दाख में ही मानते हैं, बारालाचा, रोहतांग, सच पास, कुंजुम, ये सारे के सारे हिमाचल में ही हैं। सामने देखो यार क्या क्या ब्यूटी है, टोटली बैरन लैंड्स। आर्मी वाले बंदे जिनकी वजह से हम यहाँ पे घूम पाते हैं, ये तो रूटीन का है, उनके लिए बना था। आर्मी वालों की साफ सुथरी रखते हैं और डिसिप्लिन बहुत होती है। रोड देखो, अब आप भी बताओ यार, ब्लॉग अपने आप लंबे हो जाने जब ऐसी ब्यूटी हो। अब अपने आप को तो दिखाना नहीं है, ये हमारी शक्लें देख लो आप लोग, दिखाना तो आपको लद्दाख ही है, हिमाचल ही है। तो यार तुम ब्यूटी देखो, सर ये मैं हमेशा कहता हूँ रास्ते डेस्टिनेशन से बेटर होते हैं। जो अब योर जब अम्मी जी बोल रहे हैं अभी, ये ना मन कर रहा भी ये रास्ते कभी खत्म ना हो, भी डेस्टिनेशन तो नॉर्मली। अब अम्मी जी ने भी मुझे पूछा भी फ्लाइट से क्यों नहीं जा सकते, कुणाल ने भी पूछा और मेरे और भी फ्रेंड सर्कल, तो सारे का सभी को तू पागल है, एक तो सब ये पूछते हैं मुझे तू क्या करने जाता है हर साल वहाँ पे, रेपिटेटिव क्यों है यार, क्यों जाऊँ मैं कहीं और पे जब मुझे अपने कंट्री में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्यों जाऊँ कहीं भी और पे क्यों जाऊँ। बाकी यार अगर आप लद्दाख आ रहे हो, मनाली से लेह नहीं आए, नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं, ले है या जो ले का रास्ता है वो बस वही है, ये कहीं नहीं मिलना, हो सकता है ना बताया जा सकता है ना समझाया जा सकता है, exactly. फील हो सकता है, फील किया जा सकता है बस यहाँ आकर। लो जी दिस इज नाउ आवर टी ब्रेक, टी ब्रेक।
तो यार यहाँ पे अब हम अपना इट्स अ टी ब्रेक। यह बाला लाचा है यार सामने, वो देख रहे हैं सारा बाला लाचा है। पूछना पड़ेगा यहाँ कहीं ये आलिफ भाई अपने। बंद है, जाम है, बंद भी हो सकता है, कैन खुला भाई, खुला खुला तो जाम ही है। तो अब ये यार यहाँ पे थोड़ी जाम वाली सिचुएशन हो गई है, बंद भी हो सकता है। यहाँ कहीं भी खाने के लिए रुकोगे ना तो आपको अंदर से सेम ही मिलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर स्टे करना ये यहाँ पे बेड लगे हुए हैं, ये देखिए, ये सामने आपको रजाई है। आंटी पिल्लो भी दे देते हो आप? हाँ जी पिल्लो। आंटी क्या रेट है आपका पर बंदे का? 200। ठंड ठुंड तो नहीं लगती? नहीं, ऐसा कोई आए आपके पास उसको ठंड लगे, मतलब दो रजाई भी दे देते हो? एक रजाई एक कंबल। अगर एक्स्ट्रा लेना हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक, तो ऐसा ही है। इसका नाम क्या बेबी का? बेबी का सिरिंग। सिरिंग, ये शक्ल देखो यार कितना क्यूट है ना, रेड रेड बिल्कुल रेड, ये ऐसा होता है यार अंदर से। बाकी इनके साथ यार बार्गेनिंग मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नो बार्गेनिंग विद देम। यहीं रुकिएगा यार, जिंग जिंग बार बारा लाचा कैफे, ये अपने खड़े तीनों। बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा। तुम लोगों को जाम दिखाता हूँ, दो दिन पहले पसीने। ये देखो सामने थोड़ा जूम करना है, सारा जैम है यार, सारा जैम है। यहाँ बहुत खतरनाक वाटरफॉल है जिसकी वजह से जैम है, हमें बस इसलिए थोड़ी जल्दी है। तो अभी का अपडेट ये है यार, जिंग जिंग बार से निकल गए हैं तो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। फोटो खिंचवा रहे हैं। चलो यार जैसी गाड़ी चलती है तो फिर वीडियो अपनी कंटिन्यू करेंगे वहां से। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पंकज ने अपडेट दिया था, हम बारा लाचा ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, जिंग जिंग बार बारा लाचा के बहुत पास। तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे एक ट्रक फंस गया है नाले में, इसी कारण से सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका है। कि ट्रक फंसा हुआ है और उसको तार डाल दिया आगे वाले ट्रक में, उसको टो करके खींचने के लिए। मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, उम्मीद तो यही है कि बहुत ही जल्दी ये बड़ा ट्रक इस छोटे ट्रक को खींचेगा और फिर हम आगे आपको बारा लाचा अच्छे से दिखा सकेंगे। और ये ट्रक शुरू हो गया, अभी बड़ा आ गया ना, अब वो कोशिश कर रहा था खींचने की, देखते हैं क्या बनता है। मुझे तो लगता है मेरी ट्रक हिल भी नहीं रहा। चल 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 भाई खींच ले जोर लगा के, ऐसा वो तो ट्रक का लोडेड बनना। हाँ लोड भी बहुत ज़्यादा है उसको, तो आयरन बार्स हैं जिसे हम सरिया कहते हैं, अब वो जोर तो लगा रहा बहुत है। और ये जरा था हल्का था हिला, और ये इनका टॉर्चर ही निकल गया, तार ही टूट गई। फाइनली जेसीबी आ गई है रेस्क्यू के लिए, दे आर क्लियरिंग द स्नो एंड मेकिंग अनदर पैसेज। आर्मी ऑफिसर्स भी आ गए हैं रेस्क्यू के लिए यहाँ पे कुछ। तो यार अब 3-4 घंटे बाद जाम खुला, ये क्या कर रहा है? और अब आप
यहाँ पे गाड़ियों का बिहेवियर भी देखिएगा, बाइकर्स का बिहेवियर भी देखिएगा, ये कैसे चलाते हैं। फिर गिर जाते हैं, फिर किसी और की गलती है। लुक एट हिम, लुक एट दिस पर्सन, राइट हैंड साइड जोन वाले पे जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, निकलू रुकोगे? वो रोक रहा है, खींच तू यार, धक्का मारेंगे हम, कुछ नहीं। चल बहरहाल अच्छा जी, मतलब चाहे ये वन ऑफ दी हाईएस्ट पास नहीं है, पर इतनी बर्फ वन ऑफ दी हाईएस्ट पास पे भी नहीं होती। मतलब ये मेरे साथ 6-7 सालों बाद हुआ भी सूर्यताल बिल्कुल जम गया हो। पिछली लास्ट टाइम तो पानी भी कम था जब हम यहाँ से निकले हैं। लुक एट दी वॉल्स ऑफ स्नो, ओह माय गॉड। डिफरेंशिएट करो यार आप लोग रोहतांग और इसमें, बर्फ तो दोनों जगह है तो कितनी क्लीन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ टूरिस्ट नहीं है। अगर टूरिस्ट यहाँ आ गए, यहाँ आपको वो क्वाड बाइकिंग, स्लाइड्स, ये वो गंदे पहाड़, मजा ही नहीं आएगा। स्नोफॉल हो रही, थोड़ी
बेसिकली यार हम इस टाइम उतर रहे हैं बारह बादशाह और रोड बहुत बहुत ख़राब होने वाली है। अभी बस डिसाइड करूँगा कुणाल और अमित से महिमा से सारचू पहुँच के डिसाइड करते आगे जाना कि नहीं जाना। वो रिस्क नहीं मैं लेना चाहता। ओ ओ ओ ओ ओ ये देखो प्लीज़ यार एक और रिक्वेस्ट सबसे, कोई भी बंदा बाइक पे आ रहा है, कोई भी बंदा, लगेज है नहीं है, अकेले आना है। आप दो बंदे हो तो दो बाइक रेंट पे करो। फर्स्ट ऑफ ऑल लोड कम होगा, सेकंडली अगर गिरेगा बाई चांस गिरता तो एक ही बंदा इंजर्ड होगा, दो तो नहीं होंगे ना। प्लीज़ यार ये बेवकूफ़ियाँ नहीं, थोड़ा इतना टाइम मुझे कभी नहीं लगा बाइक, कभी भी नहीं। बाकी अच्छा यार बाइकर सब ने गियर्स डाले हुए हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है देखकर मुझे ना इस रूट पे। तो यार ऑलमोस्ट बराला अच्छा उतर गए हैं ऑलमोस्ट। तो यार डेढ़ घंटे का जाम, एक और जाम, अब थोड़ा प्लान में भी चेंज आएगा। आगे हमने सीधा ले जाना था, हमारा तो आइडिया था हम 4-5 बजे तक ले पहुंच जाएंगे, पर ढाई तो यहीं बच गए हम, तो लगता नहीं आज ले पहुंच पाएंगे। तो बाकी बस टीम मेट से बात करके उनके सलाह करके देखते हैं सरचू रुकना है कि पांग रुकना, लेट्स सी। ये है यार सामने देखिए स्लांट सी बनी हुई है ऊपर, हम पे हैं, इसके ऊपर से निकल रहे थे, यहाँ पे वो ट्रक नीचे लगा जिससे उसकी डीजल पाइप फट गई, तो हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो यार बस सरचू अभी यहाँ से 15 किलोमीटर रह गए, तो ये तो फाइनल कर लिया सबसे बात करके कि हम सरचू ही रुकेंगे, बिकॉज वहाँ से खाते पीते एक्चुअली अमित जी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इवन कुणाल इज़ फीलिंग लो एंड मैं नहीं चाहता। पांग थोड़ा हाइट पे और वैसे भी पांग की रेपुटेशन थोड़ी नाइट स्टे के मामले में रिस्क नहीं, मतलब थोड़ी हेल्थ वाइज है तो सारचू भी वही, पर चलो रुकना तो पड़ेगा यार। यार ये आप पहुंच गए हैं हिमाचल और जेके के बॉर्डर पे, मैंने कहा था आपको बताऊंगा जब आप लद्दाख एंटर करेंगे जेके एंटर करेंगे। और ये इनका एक मशहूर नाला, गंदा नाला, मेरे को कर डाला इसने पता नहीं क्या क्या, बहुत बुरा हाल है यार। अब तो थोड़ा ठीक है ये, बोले तो पीछे जो आप देख रहे हैं जो रस्टी सा जो ब्रिज है, पता नहीं कितने साल हो गए बनाते नहीं है, बना दो उसे। सो फाइनली रीच लद्दाख द लैंड ऑफ पासेस। हाँ जी सर, हाउज़ द जर्नी टुडे? टायरिंग only tiring, very much tiring, vagabonds means I do not expect you will say this we only. Need something and after then we will get charged and right now and how's the and how's the barala cha pass great 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 and kindly close the door to yahan hum yaar ek norling hai ye koi yahan dekhte hain se pata karte hain kaisa hota hai inka। baki sarchu se inhone udhar to bandi kiya hua hai sara। सारचू टू बारालाचा इज क्लोज राइट नाउ, जो पीपल आर वेटिंग फॉर देम है, लेट्स सी। यार ये कोई नोरलिंग रेस्टोरेंट है, यहाँ हमने अपना भी सो कॉल्ड लंच किया, तीन चार मैगी मंगवा ली, पराठा मंगवा लिया, एक 6-7 चप कप चाय पी गए, अंडा खा लिया है ना, काफ़ी कुछ हो गया अभी अभी। मतलब हम इंसानों के ये अमित जी कुणाल की यार तबीयत ठीक नहीं है तो अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। बाकी खाना इनका अच्छा था काफ़ी, नोरलिंग है यहाँ पे, अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी की शक्ल आपको रात को दिखाऊंगा। तो हम स्टे यहीं कर रहे हैं,
200 टू अ पर्सन, ठीक है जी। तो बस यही है यार अभी का अपडेट, शाम को निकलेंगे क्योंकि टाइम अभी हुआ है सिर्फ 4:15 हुए हैं, शाम को निकलेंगे थोड़ी फोटोग्राफी के लिए, फिर वहाँ आपसे मिलते हैं। चलो टेक केयर ऑल ऑफ यू।